डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि रूबी अनम साहिबा के साथ बड़ी देर आपका अफेयर चलता रहा है? और बात शादी तक भी पहुंच गई। सुहाना जावाद, अच्छा लग रहा है। सुहाना, मैं कसम से ये कहने ही वाला था कि मैं आपका फैन हूँ, आपकी सराइकी इतनी अच्छी है, ये वो शाबाश। मैनू आज पता लगा कि एक फफे कोटन औरत भी इधर रहती है। ओह माय गॉड। अच्छा मोड़े दस सोचा कि ए मुड़ तोड़ क्यों नहीं चढ़ी? हाँ देखो, जो मोहब्बत की बात है ना, शाबाश। और ये आपका सवाल नहीं है, ये आतंकवादियों का सवाल है। मम्मी कमा में जदों आया साहब की पफिंग करो, माथा पसीने से भर गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि एक रिश्ता हुआ था, उसके बाद जो अल्लाह को मंजूर होता है तो वो ही होता है। अल्लाह को जिधर मंजूर था तो वो उधर मेरा रिश्ता हो गया। और माशाल्लाह जिन्होंने करवाया, जिन्होंने सारा खर्चा किया, वो आपके सामने बैठे हैं। आपको पता है ना इस बात का, इस हकीकत का, एक बड़ी खूबसूरत हकीकत है कि कैसर पिया साहब नसीम विक्की साहब के दामाद हैं। अच्छा, वाह, नहीं मुझे नहीं पता। और नसीम विक्की और हमारी भाभी की एक बहुत बड़ी ये है कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा जेस्चर है, नेकी भी है कि उन्होंने उस बच्ची को अपने घर पाला, बेटी बना के पाला, सारे नाज नखरे जैसे बाप माँ बाप बर्दाश्त करते हैं वो सब कुछ किया, और फिर आखिर में ये ज्यादती फरमा दी कि कैसर पिया को थमादी वो माशाल्लाह। अच्छा, वो बच्ची जो है उसका मैं आपको ये भी बता दूं कि वो किसी छोटे बाप की बेटी नहीं, पाकिस्तान के मतलब नंबर वन डायरेक्टर हसनैन साहब, हसनैन साहब जिनकी ऐसी फिल्में हैं, मतलब बाऊ जी, इंसानियत के दुश्मन, मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जिन्होंने नदीम साहब को भी सेट के ऊपर कहा हुआ कि नदीम साहब काम नहीं आता तो पहले सीख लो। वाह, ऐसा ही नदीम साहब को भी वॉक करके दिखाई, मतलब ऐसे डायरेक्टर। उनकी बेटी थी, उनकी जब डेथ हो गई तो फिर अपना सलमा को मैंने ही अपने हमारे घर में थी, मेरे पास ही मेरी बेटी है, तो मतलब मैंने कभी उसमें फर्क समझा ही नहीं था। ऐसे ही फिर कैसर के साथ ना ये कभी आउटडोर इधर करता था, कभी उधर करता था, ड्रामे भी गए, मुझे भी ना ड्रामे ही करता था। इनको आउटडोर उधर भी शादी करता था, उधर भी करता था, और आखिर में मैंने इसकी करवा दी है। और उधर तो करन लगा सी, मैं तेनू फाड़ लिया सी। बहुत सस्ते कर दे सौदे ढोरे होना। इससे जब मैंने पूछा ना कि ऐसे रिश्ता करना है तो ये मान गया। उसके बाद ना फिर घर में अब ना शर्मा के आ रहा है, पहले तो खुला डुला आता था, अब ये शर्मा के आ रहा है। तो मैंने एक दिन देखा ना, अभी शादी से थोड़े दिन पहले ना, ये ना सलमा फोन पे बात कर रही थी, मैं घर आया, मैंने बीवी से कहा, मैं कहा ये किससे बात कर रही फोन के ऊपर? सलमा, वो कहती है कि मैं पूछती हूँ, कहती सलमा किससे बात कर रही थी? उसने कहा कैसर से कर रही थी, ये मेरे साथ कराची में था। मैंने सलमा को कोई डांटा, तुम शादी से पहले कैसे बात कर रहे? गलती क्या हुई कि हम स्किट कर रहे थे ना, तो हमारी एक टीम थी, विकी भाई कैप्टन थे माशाल्लाह, तो मैं स्किट करने चला गया और मेरे माड़े नसीब जी ने पंजाबी जी कहते, वो मैं मोबाइल इनको पकड़ा गया। पता नहीं था कि मेरी बात होती थी, तो बाद में जो मेनू मुंह बना के फेर रहे ने, मैं कहा मैं तो चंगा भला सीन कर गया, ये मुंह गुस्से जो, मैं कहा लो जी फिर कोई गलती होगी। फिर मेरी बात हुई ना जब, तो मैंने कहा वो तो विकी अंकल ने फोन उठा लिया था, तो आपने क्यों पकड़ाया? मैं कहा शाबाश, मैं कहा तेरी कार आगे जिंदगी बर्बाद, मेरी कराची हो गई। ये बताएं कि उसके बाद जब ये शादी हो गई, उसके बाद आपके ये ससुर साहब बन गए, तो फिर जब स्टेज पे जुगतों का मुकाबला है, तो फिर दामाद, और फिर जाहिर है कि इतना खुल के जुगत तो नहीं मैं कर सकते। भाईजान विक्की भाई के बारे में ये कहता हूँ कि काम में सबसे पहले तो ये बात है, जितने भी हम फनकार हैं, मैं हूँ, बब्बू है, हम इनके साथ जब काम करते हैं ना, अगर हम 100 बात करते हैं ना, उसमें से 70-80 बातें विक्की भाई खुद बताते हैं, और अपने आप ही बताते हैं। और ये आज के दौर में सिर्फ यहाँ विक्की साहब होंगे या आप होंगे? यार फिर बात, मेरा सवाल तो आप गोल कर गए ना। नहीं नहीं, बता आपने फिर जब हो गए आप ससुर और दामाद हो गए, तो फिर आपने जुगत में रुकावट पैदा हुई या नहीं उसी फ्लो के सामने? कब से आए हुआ एक भी की इनको? नहीं ना, चले आप करें ना। नहीं नहीं, चल नहीं यार, इतना उन्होंने 3 मिनट बाद कुड़ी वापस ले जानी साहब, तुम मेरा रिश्ता तड़वाण आया। आप सिर्फ बता दें कि विक्की भाई के होंठ कैसे हैं। आई लव यू, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। मैंने बता तो दिया पंजाब के इमरान हाशमी भाईजान, इस तरह ही कर देना, दो भरावान पिछले शो च लड़ाता है।
बरतानिया की नानी इतने अग लाने बैठी दस्ताना फटिया जो मोहब्बत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो वहाँ से शुरू हुआ था अल्फला थिएटर में। जब ये लाहौर आया तो लाहौर का कोई भी एक्टर इसके साथ काम नहीं करना चाहता था। ये विंग में बैठा था, सारे एक्टर कह रहे थे मैंने इसके साथ एंट्री नहीं करनी, मैंने इसके साथ एंट्री नहीं करनी। इन्हें गेटअप भी बहुत कर लिया, लिफाफा पैर से चढ़ाया, हाथ से चढ़ाया, बैठा देखो काम कर ली तैयार मुंह बने। मैं क्यों आया कहता भाई मेरे ना कोई काम ही नहीं कर रहा, मैंने कोई एंट्री नहीं कर रहा। अब मेरी एंट्री थोड़ी लेट थी तो कहता मेरी एंट्री भी शुरू चाहते शुरू मेरे ना कोई आ नहीं रहा, कहते एक्स्ट्रा मुंडिया ना जा। मैंने कहा अच्छा चल तू एक काम कर। वो मैडम नईद खान उसकी डायरेक्टर थी, मैंने कहा मैडम मैं ना पहले इंटर हो जाऊंगा, ये मेरे साथ एंट्री करेगा। ये मेरे साथ इंटर हुआ तो ड्रामे में हम दोनों ने जो वो सीन किया है और उसकी ब्लास्टिंग के पीछे सारे जल रहे बैठे। तो फिर वही हो गया जो नहीं सी होना चाहिए था। वो ना कोई भी मैं नया नया ना जब सोना जी तो आउटडोर तो हम काम करते थे सारे, तो उधर माशाल्लाह बेहतर था, अल्लाह ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया था। वो पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे थे ये सारा। तो विक्की भाई ये तेज बॉस सी, ये जुगता इनिया करता सी, जो कोई फैसला बा जाता सी ना ये होंगे ऐसी कि बंदे पै जाता से पब्लिक खिलाफ हो जाती थी उस बंद बंदा कहता यार साड़ी बेइज्जती है नहीं हो गई, एक बंदा हादसा ही नहीं लै रहा। और कैसर भाई ना मैं भी स्टेज पर काम किया, मैं इंज लगन लग पा कि दुश्मन ना काम कर रहे हैं इन्ना सीरीयस हो जाते हैं मौला। अच्छा मैंने शाहद खान से गुस्सा कुटता भी बहुत है ना एंट्री के कुटता बहुत। मैं शाहद खान में एक रोल कराया, शाहद खान ने सही नहीं किया, उन्होंने मुँह तो कहते अगो ना नॉर्मल लै रहा। मैं कोई नहीं बेटा अगले स्पैल से सही, अगले स्पैल से मैं एंट्री बनाती, मैंने सिचुएशन बनाती, मैं क्या तेरा सहरा गुलाब दे बने ने मेरे ते चमेली दे बने। उन्हां दी रजाई नूं पानी दित्ता, मेरी रजाई सुकी, उन्हां दी रजाई सारे सुंघ रहे ने, मेरी कोई भी नहीं सुंघ रही। लिटरली फुल सुजिया होया पिछले आग बैठा सची खुदा की कसम इंज करके बैठा। मैं कहा शाह सीन अच्छा हो गया, ये पिछले ड्रामे से अच्छा हो जाना चाहिए। शाहद खान साहब नु मारना ना पवे ड्रामे से, कह रहे यार मेरा सीन फिका है। हां मेनू कह रहे मेरे ना मुनाफकत हुई। तो मैं ना विक्की भाई के एहसान भी मुझ पे बहुत ज्यादा, ये नहीं कि मैं तारीफ करने के लिए आया उधर, लेकिन हाँ। आज तक मैंने जो भाईजान नशा नहीं किया, सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, तो मेरी वो विक्की भाई इसके मैं हर जगह क्योंकि मैं बैठा इनके पास हूँ। कैसे जी सबसे बड़ा एहसान तो उन्होंने ये किया जो कर सकता है एक इंसान किसी के लिए, कि अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी आपको दे दी। बस करो पगले, अब रुलाएगा तुझे। ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, क्यों इतना पानी पी रहे हो, डबल सेंचुरी की। रुलाएगी तो वो जो आपके हवाले की है उन्होंने। जहां तक मामला ना रूबी साहिबा का, रूबी अनम का, तो उसके बारे में मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि वो दोस्त इतनी अच्छी है कि शायद ही कोई किसी का मतलब मर्द इतना अच्छा दोस्त हो। ऐसा ही वो दोस्ती निभाने में, आपके दुख सुख में शरीक होने में जितनी जल्दी पहल वो करती है ना, शायद ही कोई करता हो। और उसका रिश्ता बंदे के साथ ऐसे डेवलप हो जाता है कि देखने वाले को लगता है कि यार इनका पता नहीं कोई अफेयर है कोई ऐसा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। और मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ भाई कि मेरा भी ऐसी कोई बात नहीं थी उनके साथ, ये मैं मजाक में उन्होंने की, मैंने भी मजाक में ऐसी बात कर दी है, लोगों ने ये बातें बनाई थी बड़ी, तो मैं कह यार तुम कहते चलो फिर होएगा, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं थी।